मैंने कुछ माहिती दी है, आपके समझ में आई है कुछ तो बहुत अच्छा। अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है। एक बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपकी संतान अच्छी हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, तो खान पान में जितने नियम बताए हैं एक बराबर याद रखना, लोमी और खड़ी शक्कर ये रोज खान। लोनी आप समझते ही हैं, खड़ी शक्कर आपको मानिए, लोनी और खड़ी शक्कर रोज खाना, दोनों को खाना, पति को भी पत्नी को। जी जी, मतिमंद और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो कहां से आते हैं? ज्यादातर मतिमंद और हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं वो उन पति पत्नी के हैं, उन आई बड़ी के हैं, जिनके दोनों के शरीर में कैल्शियम बहुत बहुत कम है, उनके बच्चे मतिमंद होने ही वाले हैं, उनके बच्चे हैंडीकैप होने ही वाले हैं। पति के शरीर में कैल्शियम कम हो, पत्नी के शरीर में कैल्शियम कम हो, जरूर बच्चे ऐसे होंगे जो मतिमंद होंगे और शरीर से विकलांग हो, तो ध्यान रखिए इसका, कैल्शियम कम ना हो शरीर में। तो आप बोलेंगे क्या इसका टेस्ट होता है? हाँ, कैल्शियम का टेस्ट होता है, आपकी बोन टेस्ट करा के आप कैल्शियम की मात्रा पता लगा सकते हैं। बाजार में जो पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं वो कैल्शियम टेस्ट करते हैं, आप चाहें तो टेस्ट करा सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं है, 50 या 60 रुपए के खर्चे में या बहुत अधिक 100 रुपए के खर्चे में कैल्शियम टेस्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र में कोंकण अकेला एक बैंक है जहां के बहुत तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। उसका कारण है, और कोंकण बैंक के सभी बच्चों की आंखें दुनिया में सबसे सुंदर है, किसी की इतनी सुंदर आंखें नहीं है जो कोंकण पट्टी के बच्चों की आंखें हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ, कोंकण पट्टी के बच्चे आप जानते हैं, कोंकण जिनको हम कहते हैं मराठी में कोंकण, ये कोंकण लोग दुनिया में इंटेलिजेंसी में सबसे ऊपर, इनका जब आईक्यू टेस्ट होता है ना, दुनिया के सारे देश, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, दुनिया के देशों में इनकी आईक्यू सबसे ऊंची। कारण पूछो आप, कारण उसका एक ही है कि कोंकण पट्टी की जो मिट्टी है ना वो उसकी विशेषता है। कोंकण की मिट्टी आप देखो लाल रंग की है, देखा लाल रंग की मिट्टी है, लाल रंग की मिट्टी में जो धान उत्पन्न होता है उसमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में इतना कैल्शियम और आयरन किसी मिट्टी में नहीं है जो लाल मिट्टी में होता है। अब कैल्शियम और आयरन हर चीज में ज्यादा होगा, कोंकण का आम होगा ना, आम उसमें भी कैल्शियम आयरन है, कोंकण का धान उसमें भी कैल्शियम आयरन है, कोंकण की दाल होगी उसमें भी कैल्शियम आयरन है, कोंकण की जवारी होगी उसमें भी कैल्शियम आयरन, तो ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर जो कुछ वो खाते हैं उसका परिणाम। नहीं मछली का इससे कुछ, मछली तो और भी लोग खाते हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा मछली तो खाते हैं बंगाली लोग, बंगाली और उससे भी ज्यादा उड़िया और उनसे भी ज्यादा बिहारी, लेकिन आईक्यू में वो दुनिया में सबसे डफर है। मछली का इससे कोई संबंध नहीं, इसका संबंध है मिट्टी से और मिट्टी में होने वाले कैल्शियम और आयरन से। लाल मिट्टी दुनिया में जहां भी मिलेगी उसमें भरपूर कैल्शियम और आयरन है, और कोंकण की मिट्टी में कैल्शियम आयरन सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां की संतानें दुनिया में सबसे तीव्र बुद्धि मानी जाती है। तो ये बात समझ में आई कोंकण की? तो आप कहेंगे हम भी कोंकण में रहें, रहिए, लेकिन आप में परिवर्तन आएगा 2 जनरेशन के बाद, अभी तुरंत नहीं आएगा, 2 जनरेशन आपकी निकल जाएंगी, 3rd जनरेशन में ये परिवर्तन आ जाए अगर कोंकण में आप रहते हैं तो। हाँ, अब आप देखिए इनका तो सवाल और भी अच्छा है कि कोंकण में हम नहीं रह सकते, कोंकण को अपने घर में ला सकते हैं, मतलब ये है कि ऐसा धान खाएं जिसमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा हो तो वो आपके घर में भी होगा,
तो ऐसा धान्य खाइए जिसमें कैल्शियम और आयरन ज्यादा हो। अब कैल्शियम और आयरन का धान्य ज्यादा होगा तभी संभव है कि जो धान्य को उत्पन्न करने में यूरिया डीएपी ना डाला गया हो, तभी वो संभव है। तो बिना यूरिया बिना डीएपी का धान्य पैदा करिए, तीन बरस तक, चौथे बरस से आप खाना शुरू करिए तो आप में पोषण आ जाएगा। पूरा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो आएगा, थोड़े बेहतर तो आप होंगे और आपकी संतानें आपसे बेहतर हैं। ठीक है। अभी एक सवाल मुझे पूछा गया, हम जब विवाह करते हैं ना विवाह, तो विवाह करते समय कुछ मिलान किया जाता है, नाड़ी का मिलान करते हैं, गोत्र का मिलान करते हैं। आप जानते क्यों करते हैं? नहीं मालूम। कोई लोग तो कहते हैं कि ये बुआबाजी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नाड़ी का मिलान करना गोत्र का मिलान करना ये बकवास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका फर्क बहुत गहरा है, ये साइंटिफिक बात है। बात ऐसी है कि हम जब गोत्र और नाड़ी का मिलान करते हैं तो इस बात को ध्यान करते हैं कि डीएनए एक ही ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष की शादी ना हो। एक ही डीएनए ग्रुप वालों की शादियां अगर हो गई तो जिंदगी भर संतान का त्रास रहेगा। एक ही डीएनए ग्रुप में डीएनए के ग्रुप हैं और वो ग्रुप अगर एक ही जैसे हैं, नजदीक नजदीक का बहुत अंतर नहीं है, उनमें आपस में शादियां हुई तो एक तो संतान होगी नहीं, हो भी गई तो मतिमंद होगी, विकलांग होगी, कमजोर होगी, बुद्धि से बिल्कुल कमजोर होगी, शरीर से कमजोर होगी और संतान जीवित नहीं रहेगी ज्यादा दिन, जल्दी मरेगी अगर एक ही ब्लड ग्रुप के नजदीक वालों की शादियां हो गई। तो जब हम नाड़ी और गोत्र देखते हैं तो उसका इसी बात का ध्यान रखते हैं, एक ही नाड़ी और एक ही गोत्र में शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि डीएनए एक ना हो। डीएनए एक होने के चांसेस तभी है जब नाड़ी एक हो और गोत्र एक हो, तो 100% ब्लड ग्रुप एक हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई, विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना, वो परंपरा बहुत साइंटिफिक है। अगर उसका ध्यान रख के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्छी होगी, नहीं ध्यान रखा है तो बहुत तकलीफ होगी। अब आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिजेज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नाड़ी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है। वो आते हैं मेरे पास, ज्यादातर प्रेम विवाह वाले एक संतान नहीं हो रही है, 10-10 साल से परेशान। फिर मैं कहता हूं जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रुप है, तो हो ही नहीं सकती संतान, कितनी भी कोशिश कर। तब मैं उनको कहता कि आपको संतान का सुख नहीं है, तो कहते हमने क्या पाप किया था, तो मैंने कहा आपने पाप एक ही किया था, प्रेम विवाह किया था, यही पाप आपने किया। अगर नाड़ी गोत्र का ध्यान रख के करते तो ये नहीं होता। माने इसका क्या है, माने इसका सीधे से ये है कि अगर हम प्रेम विवाह भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, अगर इस बात का ध्यान आप नहीं रखते तो आपको भविष्य में बहुत तकलीफें आएंगी, तब प्रेम तो छूट जाएगा, विवाह जो है घिसकता हुआ जाएगा। ये जो प्रेम है ना, ये ज्यादा दिन टिकता विकता नहीं है, क्योंकि ये आवेग जैसा होता है, ये इंपल्स है, एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन, और डोपामाइन एक हथेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही टिकता है। तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर टिकता है उसके बाद खत्म हो जाता है, स्त्री में भी पुरुष में, और जब प्रेम खत्म हो जाता है तब जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है, असली, और वो इतना खराब संघर्ष होता है कि कोई देख नहीं। थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने की तैयारी में हैं, और डोपामाइन खत्म होते ही एक दूसरे को मार डालने की तैयारी, ऐसी हालत हो जाती। एक दिन पहले तक या दो दिन पहले तक या 5-10 दिन पहले तक
किसी स्त्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी स्त्री, दुनिया का सबसे सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता। और 5-6 दिन के बाद ही दुनिया का सबसे कुरूप चेहरा वही है जो उसकी अपनी स्त्री है या उसका अपना पति है। ये सारा खेल डोपामाइन का है। तो प्रेम विवाह जो होते हैं ना, इनमें मैंने अक्सर देखा कि विवाह होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है, खाली विवाह रह जाता है, लव चला जाता है, मैरिज रह जाती है। और वो ऐसी घिसटती है जैसे एक टांग का आदमी घिसटता है।